आज के वीडियो में बात करेंगे ओप्पो रेनो 7 5G जो डिवाइस है, इस डिवाइस की वजह से अपने डिवाइस में एंड्रॉइड 13 और कस्टर्ड बीटा को इंस्टॉल किया हुआ है, बट उसके साथ में कई सारे प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर वेट करें कि हमारे डिवाइस में एंड्रॉइड 13 ऑप्शनलेट को कब तक प्रोवाइड किया जाएगा ओप्पो की ओर से, और जिन्हें इसका डिवाइस एंड्रॉइड 12 अपडेट पर रन कर रहा है उन्होंने अपने डिवाइस को कस्टर्ड बीटा पर इंस्टॉल नहीं किया है, तो आपको एंड्रॉइड 13 का ऑप्शनलेट कब तक देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो में सारे को डिटेल शेयर करूंगा। वीडियो को स्टार्ट से तक जरूर देखिएगा ताकि दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं ओप्पो रेनो 7 5G जो डिवाइस है, इस डिवाइस के पहले एंड्रॉइड 12 यूजर्स के बारे में बात करें तो आपको आपके डिवाइस की सेटिंग में आना होगा। सेटिंग में जाने के बाद सॉफ्टवेयर क्लिक करोगे, वहां पर आपको जो भी सिक्योरिटी पेज अपडेट देखने को मिल रहा है उसे आपको अपडेटेड करके रखना होगा। उससे क्या होगा कि जब भी एंड्रॉइड 13 का ऑप्शनलेट को प्रोवाइड किया जाएगा तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा अगर आप एक्टिव रहते हैं तो, क्योंकि ये अपडेट बेच बाय बेच प्रोवाइड किया जाता है और लिमिटेड सीटों के साथ देखने को मिलता है। तो आप एक्टिव रहोगे और सॉफ्टवेयर के सेक्शन में चेक करोगे और आपको एंड्रॉइड 13 ऑप्शनलेट देखने को मिल गया तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो फिर आपको नेक्स्ट बैच का वेट करना होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जिन्होंने इसका डिवाइस एंड्रॉइड 13 बीटा वर्जन पर रन कर रहा है तो उनको यहाँ पर हीटिंग इशूज, नेटवर्क इशूज, बैटरी डाउन इशूज और व्हाइट स्क्रीन का भी प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है और भी कई तरह के प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में एंड्रॉइड 13 का ऑप्शनलेट को कब तक प्रोवाइड किया जाएगा ओप्पो की ओर से, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो नवंबर मंथ आ रहा है इसके 1 या 2 तारीख के आसपास आपको एक रोड मैप देखने को मिलेगा जो कि एंड्रॉइड 13 ऑफिशियली रोड मैप होगा। उसमें अगर आपके डिवाइस का नेम मेंशन किया गया और कंफर्म डेट मेंशन की गई तो आपको नवंबर मंथ में ही एंड्रॉइड 13 का ऑफिशियल देखने को मिल जाएगा। तो अभी आपको क्या करना होगा, आपको एक्टिव रहना है, अभी जो भी प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है वो आपको फेस करना होंगे, ताकि इसके रिगार्डिंग और कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ही रोड मैप आया तो मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा चैनल पे, तो आप देख लेना उसमें आपके डिवाइस का नेम है या नहीं। तो यार इस छोटे से वीडियो में यही था, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम आपको ज्वाइन हो जाना है। मिलता है तब तक, बाय।